नॉर्थ डकोटा में बैलिस्टिक मिसाइल मूवमेंट, जहां न्यूक्लियर वॉरहेड की मूवमेंट की आशंका है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की मूवमेंट की ये खबरें हैं। स्थानीय लोगों ने कैमरे में ये सैन्य मूवमेंट कैद की है। अब रूस को यूएस और दक्षिण कोरिया की चेतावनी, जहां उत्तर कोरिया से डील पर चेतावनी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई। रूस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। यूएनएससी की अनदेखी रूस कर रहा है, यह बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके तहत इस डील पर, जैसा कि आपको बताया, दुनिया की नजर थी, अब रूस को यूएस की तरफ से यह चेतावनी दी गई है उत्तर कोरिया से डील को लेकर। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि यह चेतावनी जो दी गई है उसमें आपको बता दें रूस को उत्तर कोरिया से गठजोड़ की कीमत चुकाने की बात कही जा रही है। और यही सबसे पहली इंफॉर्मेशन, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर कोरिया से सैन्य सहयोग को लेकर यह बात कही जा रही है कि यूएनएससी के संकल्प की अनदेखी हो रही है। हालांकि माफ कीजिएगा, यह गलत इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लेकिन इस बीच जो खबर आपको बता रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से रूस को उत्तर कोरिया से मिल रहा है सहयोग और इसी गठजोड़ की कीमत चुकाने की बात कही जा रही है। उत्तर कोरिया से सैन्य सहयोग यूएनएससी के संकल्प की अनदेखी होगी। मैं चाहूंगी दीपक वोरा सर, किम के दौरे पर वॉशिंगटन और सियोल के उच्च अधिकारियों की जिस तरीके से बैठक हुई है, यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते रूस अपनी जिम्मेदारी दिखाई, ये बात कही जा रही है। सही कहा जा रहा है मैम, लेकिन एक प्रश्न अभी जनरल माथुर साहब ने इसका जिक्र किया था, मैं सोच रहा था इसके बारे में, क्या यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट है दुनिया में कि उसके कारण हम न्यूक्लियर वॉर ले पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं? है कौन सा ये देश, है क्या ये चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? व्हाई आर वी टेकिंग द रिस्क न्यूक्लियर वॉर की? और फिर जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था रूस ने, क्यों किया था? क्या रूस को धरती की आवश्यकता है? दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 14 करोड़ की आबादी है, उसके पास तो बहुत धरती है। हिटलर ने हमला किया था सोवियत संघ पर, उसको धरती चाहिए थी, जर्मन में लेबेंसराम कहते हैं, मेरे लोगों के लिए जगह। रूस को नहीं चाहिए, उसने सिर्फ ये कहा था कि नेटो में तू शामिल नहीं होगा, और ये जो सर्कस का जोकर है ये कहता मैं नेटो में जाऊंगा, तो इसको हटा, तभी हमला किया था। जब उसको वो हासिल हो जाएगा वो खामोश हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि अगर सेलो चला जाए सर्कस वाला, शांति अपने आप वहां पर आ जाएगी, लेकिन अमेरिका को ये डर। फाइनली मैम, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं उन्हें देख पा रहे हैं, पतझड़ का मौसम न्यूयॉर्क में आ चुका है, तस्वीर मैंने वहां ली थी कुछ दिन पहले। समर खत्म हो चुका है, सर्दी आ रही है, यूरोप में तापमान गिर रहे हैं, सर्दी फिर आने वाली है। अब देखते हैं और कितना ये बर्दाश्त करेंगे वहां के लोग, जब उनको रशियन सस्ती गैस नहीं मिलती। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका कोई निर्णय निकलेगा। लेकिन अमेरिका अपने हित को देखते हुए गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और यही सबसे बड़ी खबर है। इस बीच एक और, जहां आर्टिलरी शेल्स के प्रोडक्शन 3 गुना करने की तैयारी है, हर महीने 1 लाख शेल्स तैयार करने का टारगेट रखा गया है, और यूक्रेन को गोला बारूद भेजने पर भंडार में कमी के तहत ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दावा ये कि अमेरिका अपना गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन 3 गुना करने की तैयारी के तहत अगला टारगेट भी सेट कर लिया गया है। तो अमेरिका में क्या गोला बारूद की कमी है, क्योंकि यूक्रेन को गोला बारूद भेजने से अमेरिका में क्या गोला बारूद की कमी हो चुकी है, यही अभी तक एक सबसे बड़ा सवाल रहा है। हालांकि 155 mm आर्टिलरी शेल्स की कमी को पूरा करने की क्या यह कोशिश है, हर महीने 1 लाख शेल्स बनाने की तैयारी में अब अमेरिका नजर आ रहा है। 2025 तक हर महीने 1 लाख शेल्स तैयार होने की बात कही जा रही है। फिलहाल यूएस में हर महीने आपको बता दें 28,000 शेल्स तैयार हो रहे हैं। अब नेटो देशों की बहुत बड़ी वॉर तैयारी, यही एक और सबसे बड़ी खबर।